गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है माय फाइव सेंसेस। ये है क्लास फर्स्ट के लिए, सब्जेक्ट इंग्लिश। आपको पढ़ा रही हैं सुनीता भट्ट, टीचर BPS नुतनुसा। बच्चों हम करने जा रहे हैं माय फाइव सेंसेस। सेंस होता है बच्चे पता लगना, जिन चीज़ों से हमें हमारे ऐसी जो फाइव ऑर्गन्स है हमारे पास, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो आपको पता है ना, उनमें से कुछ पार्ट्स हमारे फाइव पार्ट्स ऐसे हैं जिससे हमें पता चलता, मतलब सेंस होता है, पता चलता है। जैसे कि आँखों से हमें हम देखते हैं, उससे हम चीज़ों को पता लग, हम कलर हम देखते हैं आँखों से, कानों से हम सुनते हैं, जो जीभ है टंग से हम टेस्ट करते हैं, नोज से हम सूंघते हैं, हाथों से स्किन से हम फील कर सकते हैं। ये जो पांच सेंस ऑर्गन हैं, इनसे हमें चीज़ों के जो है रंग का, कान में जो आवाज़ आती है, हमारे दिमाग को पता चलता है कि क्या, मतलब इन्हीं, जैसे अब लेग है उससे हम चल सकते हैं फुट से, लेकिन हमारे दिमाग को कोई जो है जो इंफॉर्मेशन है वो पता करने का जो है इन फाइव ऑर्गन से पहुँचता है। हमारे दिमाग को पता चलता है, आँखों से हमें पता चलता है हम क्या देख रहे हैं, कानों से पता चलता है हम क्या सुन रहे हैं, ज़बान से पता चलता है हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, नाक से हम पता चलता है हम क्या सूंघ रहे हैं। तो हमारे दिमाग को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, हम इससे पता कर सकते हैं इन चीज़ों का। अब देखिए, अब आप पहला जो इसको पढ़िए, IUSE कैसे पढ़ेंगे, IUSE use MY my dash TO2 HEAR हेयर, बोला हेयर होता है सुनना। इन पाँच, देखिए पांच ऑर्गन बनाए हुए हैं, आप बताइए इनमें से मैं क्या जो है, हैंड माउथ एयर आइज नोज, इनमें से आई यूज माय डैश टू हेयर। आपको सही जो है इसमें ब्लैंक में भरना है इन पांच ऑप्शंस में से, क्या जो है मैं सुनने के लिए जो है मैं जो मुझे यूज होता है, ईयर्स, मैं अपने कान जो है इस्तेमाल करती हूँ किस लिए, सुनने के लिए। हेयर क्या होता है, सुनने, कोई आवाज़ का हमें लगाता है, हमें किससे पता चलता है उसने हमें आवाज़ लगाई, हमारे कानों से। नेक्स्ट है IUSE यूज MY my dash TO2 SMELL स्मेल, आई यूज़ माई, मैं अपना ये चीज़ इस्तेमाल, मैं अपना ये जो ब्लैंक में है इसको इस्तेमाल करती हूँ टू स्मेल, इससे मैं जो है सूंघती हूँ, किससे बेटा, नाक से, हाँ नोज, वेरी गुड। आई यूज़ माई नोज टू स्मेल, हम जो है अपनी नाक से सूंघते हैं। नेक्स्ट, आई यूज़ माई डैश टू सी, SEE क्या हुआ, सी होता है देखना, मैं आई यूज़ माई आइज़ टू सी, वेरी गुड। आइज़ से हमें पता चलता है कि हम जो है आँखों से हम पता लगता हम क्या देख रहे हैं, हाँ। नेक्स्ट, आई यूज़ माई डैश टू टच, मैं जो है अपने हैंड्स का, आई यूज़ माई हैंड्स टू टच, अपने हाथों से मैं टच करती हूँ या हूँ करता हूँ। आई यूज़ माई डैश टू टेस्ट, आई यूज़ में क्या आएगा, टंग, आई यूज़ माई या माउथ, टंग जो है इसमें माउथ भरा, आई यूज़ माई टंग टू टेस्ट, हाँ टंग से जो है, या माउथ लिखा है तो माउथ लिख दीजिए, माउथ में जो टंग होती है स्पेशली, आई यूज़ माई टंग टू टेस्ट, टंग से जो है हम टेस्ट करते हैं, अब उसमें टंग लिख लीजिए TONGUE टंग। बच्चों ये फाइव ऑर्गन्स हैं, मैंने आपको बताया कि इससे पांच ऑर्गन्स से हमें आँख से हमें देखने का पता चलता है, कान से सुनने का, नाक, कान से सुनने का, नाक से सूंघने का, आईज से हम देखते हैं, अगर हम आंखें बंद कर लोगे तो आपको कुछ दिखाई देगा नहीं, तो आईज इस इस्तेमाल में आती हैं देखने के लिए। जो देखिए जो देख नहीं सकते वो बेचारे जो ना कोई कलर भी नहीं देख सकते, ना उनके पता चलता है कौन हमारे सामने, अब वो अपनी जो है जो हैंड्स के टच से पता लगाते हैं, कोई कान के सुन के पता लगाते हैं। तो देखिए अगर हमारे सामने कोई खाने की चीज़ रख दे, हम नाक से सूंघ के बताते हैं कोई अच्छी स्मेल, कोई बैड, कितनी बदबू आ रही है, तो नाक से हमें पता लगता है क्या बदबू है, या अच्छी तो कितनी प्यारी खुशबू है। कान से हम सुनते हैं, नाम बुलाएंगे आपका, आप अगर आपके कान आप बंद रखो, हैंड्स डालो, अपने उंगली डालेंगे कान में तो हमें सुनाई नहीं देता ना, तो कान हमें जो है सुनने को काम आते हैं। तो टंग जो है आपको पता लगा, सॉल्टी खाते हो, चिप्स खाते हो, चॉकलेट खाते हो, कैसे पता चलता है वो नमकीन है, वो टेस्ट, वो नमकीन है, वो मीठा है, कैसे पता चलता है,
टंग से। अब हाथ से जो है हम टच करते हैं किसी को, पल हमें टच का पता चलता है कि सॉफ्ट है, वेदर इट इज़ हॉट कोल्ड, है ना, स्किन जो होती है ना, इसी से हम पता लगा सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, आज आप इसको पढ़िए, ज़ोर ज़ोर से रीड करिए मैंने क्या पढ़ाया, इनको स्पेल्स को ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, और जो ये सेंस ऑर्गन की स्पेलिंग है, ये जो आईज ईयर नोज़, इनको सबको ज़ोर ज़ोर से पढ़िए और लिखिए, और इसको पढ़ना है ऐसे, आई रीड करना, यू एस ई यूज एम वाई माई, जैसे मैंने पढ़ा ना इसी तरह से। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।